Yeah. Who was it, Electron? Electron spin engines. Electron spin engines. Yes, you was it, Electron? Paramagnetic engines. Paramagnetic. दो प्रकार से इसको जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन एजेंट्स और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक एजेंट्स। तो सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको दो तीन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाए हैं, तो किस स्पेक्ट्रोस्कोपी को किस एनर्जी में डिस्कस करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता है, ये जो लाइट होती है सबसे एक होती है आपकी कॉस्मिक, कॉस्मिक रेस के बाद आती है आपकी गामा रे, गामा के बाद आती है आपकी एक्स रे, एक्स के बाद आती है आपकी यूवी, यूवी के बाद आती है आपकी विजिबल, फिर आता है आपका आईआर, आईआर के बाद आता है माइक्रो, माइक्रो के बाद आता है आपका रेडियो। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कॉस्मिक से कहाँ निकलेंगे, रेडियो, तो हमारी एनर्जी जो होगी की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, क्योंकि लैम्डा होगी वो आपकी क्या होगी, तो हम ये कहेंगे कि ई जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, एच सी और लैम्डा होता है, इसको हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, ई आपके प्रोपोर्शनल होता है बार अपॉन लैम्डा, तो जिसका ई ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा, या जिसका लैम्डा कम होगा उसका ई ज्यादा होगा, जिसका एनर्जी कम होगा उसका लैम्डा ज्यादा होगा। तो यहाँ आप देखेंगे एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कॉस्मिक रेज, सबसे कम किसकी होगी, रेडियो रेज। लैम्डा की बात करें तो लैम्डा सबसे ज्यादा होगी रेडियो की, और सबसे कम लैम्डा जो होगी वो आपकी कॉस्मिक। अब गामा में आपका आता है मोस्फेयर स्पेक्ट्रो, मोस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी को गामा में स्टडी करते हैं, एक्सरे को एक्सरे में करते हैं, एक्सरे आपने सुना होगा, एक्सरे जो डॉक्टर भरद्वाज आईआईटी कानपुर में काम करते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफ से कोई आपका क्रिस्टल है उसकी क्या लेते हैं, पूरा फोटो ले लेते हैं मॉलिक्यूल, जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल इनार्जी कॉम्प्लेक्स है, इनार्जी कॉम्प्लेक्स जनरली कैसे होते हैं, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, और वो क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल आपका 100% प्योर माना जाता है, उसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं, और वो आपका स्टेबल भी होता है क्रिस्टल, तो उसकी हम एक्सरे से क्या लेते हैं, फोटो ले लेते हैं पूरा मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल का, जैसे बॉल स्टिक मॉडल आपने देखा है तो वो आपका एक्सरे ही होता है, एक्सरे की फोटो अगर खींचेंगे तो वही बॉल स्टिक मॉडल ही आएगा। तो एक्सरे को हम एक्सरे में स्टडी करते हैं, और यूवी आपका यूवी में ही होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, विजिबल पिक्चर में ही होता है, ठीक है। इसके बाद आईआर इंफ्रारेड होती है, आईआर में इंफ्रारेड आपके आईआर में आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके बाद आपका माइक्रो, माइक्रो में आपका आता है रमन, माइक्रो में आता है रमन, और दूसरा आता है एंड, रमन एंड ये सार इसी में आता है, ये सार और क्या है, तो दोनों आपके किस में आते हैं, माइक्रो में, रेडियो में आपका आता है, रेडियो में आपका एनएमआर, तो सबसे ज्यादा लैम्डा रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो में एनएमआर की स्टडी है, इसको नोट कर लीजिए। कॉस्मिक लाइट बहुत हाई एनर्जी होती है, इसको अगर हम मॉलिक्यूल को डालेंगे तो वो सब गैस में चेंज होगा, सब गैस में कन्वर्ट हो जाए, हाई एनर्जेटिक लाइट। केमिकल रिएक्शन के लिए फिट कौन सी लाइट होती है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बॉन्ड का टूटना होता है, बॉन्ड का बढ़ना होता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा फिट होती है आपकी यूवी लाइट, उसमें आईआर भी नहीं डाल सकते, आईआर तो बॉन्ड नहीं टूटता, आईआर से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलास्टिक, तो जैसे ही वाइब्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल के कारण स्पेक्ट्रा आ जाता है, इसलिए उसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं।
मतलब बाड माइंड को बॉडी प्रॉपर्टी कैसी होती है इलास्टिक, तो बोन वाइब्रेट करने लगते हैं, तो उसका सीजरिंग होता है, रॉकिंग होता है, बैगिंग होता है, स्ट्रेचिंग होता है, अनसिमेट्रिकल वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन के कारण जो स्पेक्ट्रा आता है उसको हम वाइब्रेट, और माइक्रोवेव में आपका रोटेशन रमन जैसा होता है, उसकी एनर्जी और भी कम होगी आई आर से। और यूवी क्या है, यूवी आपकी हाई एनर्जी भी नहीं है ना लो है, उसमें क्या होता है बॉन्ड टूट जाता है। आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो उस समय लोगों को बाहर नहीं निकल जाता, क्योंकि बॉन्ड टूटते यूवी लाइट आती है तो वो बायोलॉजिकल सही रिएक्शन हो सकती है, बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का बनना, ये वो हार्मफुल होती है। यूवी लाइट हमेशा हार्मफुल, आजकल लैबों में यूवी लाइट का प्रयोग, जितनी फोटोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, नॉरोस्टाइट फर्स्ट हुआ, नॉरोस्टाइट सेकंड हुआ, जेमनोस्की डायग्राम, तो वो सब हम इफेक्टिव जो लाइट होती है केमिकल रिएक्शन के लिए उसमें यूवी का प्रयोग, तो बॉन्ड को तोड़ देती है। तो हाई स्टेबल जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका स्पेक्ट्रम आ जाता है, जैसे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है, तो जिनमें डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, कॉन्जुगेशन होगा, तो वो क्या होंगे, वो आपके स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे, इनके बॉन्ड टूटते नहीं, तो उसके कारण एक स्पेक्ट्रम दिखता है। तो यूवी जनरली क्या बताती है, अनसैचुरेशन और कॉन्जुगेशन, ये तो बताती है यूवी। अब इंतजार के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक तो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा पॉइंट है इसमें आई इसकी होना चाहिए, आई वन बाई टू भी हो सकती है, आई आपकी वन भी हो सकती है, आई टू भी हो सकती है, आई थ्री है, तो आई होना चाहिए आपका कुछ ना कुछ। आई आपकी होना चाहिए, आई होना चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो आई आपकी वन भी हो सकती है, टू भी हो सकती है, डिवाइड टू हो सकती है, हाफ। अब आप देखिए कि हाई हाफ आई किसकी होती है, जहाँ हाफ आई की बात कर रही है तो वहाँ पे फोटोन आ जाएगा, जैसे आपने एनएमआर पढ़ा, तो जब और यहाँ पे डिवाइड टू जो कोई मेटल है जैसे कॉपर का हमने बताया था कल, तो वन किसका होता है, ड्यूटेरियम का, ठीक है, टू टू का भी हम केस बताएंगे, ये किसका होता है, यहाँ पे एक तो प्रोटॉन कर सकते हैं, ये आपका हो गया ड्यूटेरियम होगा, उसका ये कॉपर हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, क्लियर। तो ईपीआर एक्टिव कौन से मॉलिक्यूल होंगे, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके एक्टिव होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो आपके नहीं। जैसे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का इस तरह से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा, तो हम कैसे पता करेंगे, हाइड्रोजन का एक वन होता है वन इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका वन वन एस वन हो जाए, तो यहाँ पर बनाएंगे ये आपका हाइड्रोजन का हो गया, ये आपका हाइड्रोजन का हो गया, ये एटम का हो गया, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ऊपर बनेगा तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, क्या बन गया मॉलिक्यूल, तो हम मॉलिक्यूल में देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो मॉलिक्यूलर डायग्राम कैसे बनेगा, एच एच ये आपका एटोमिक ऑर्बिटल है, ये आपकी क्या एटोमिक ऑर्बिटल, ये एटोमिक ऑर्बिटल, और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है जो कि अनपेयर्ड नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि आपका एक्टिव। अब हाइड्रोजन को हमें एक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए या इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, दो चीजें हो सकती हैं। तो मान लीजिए H2 में हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, H2 रेडिकल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, H H उसमें रेडिकल, उसमें टोटल कितने हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक, तो तीन जो हो जाएंगे उसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कैसा होगा, एक तो आपका ऐसा हो जाएगा और एक आपका ऐसा हो जाएगा, और रिमेनिंग आपकी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ पर देखिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि आपका ये ईपीआर एक्टिव। अब आता है हम H,
उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो रेडिकल कैटलाइज हो जाएगा, मॉस में हमने बताया था मॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, एक को हमने बाहर कर दिया, आयन के फॉर्म में कैटायन रेडिकल हो गया। कैटायन रेडिकल का मॉलिक्यूल को बनाएंगे, एनर्जी डायग्राम एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ का मॉलिक्यूल आ गया, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा। अब आता है आपका बोरोन, बोरोन में बताइए आपका एक्टिव होगा या नहीं होगा। बोरोन में एटम में क्या होते हैं, पांच इलेक्ट्रॉन, फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, वन एच टू, टू एच टू और टू पी वन आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे एस वाला इसको बनाएंगे, ठीक है। टू चले लेते हैं, ये आपका टू एच टू है, ये भी आपका टू एच टू है, पहले एक्स वाला बाद में चला जाता, दो रूल होते हैं, उसको एक्स वाइस उसको मान लेंगे आप, कुछ भी हो सो का प्रॉब्लम, पी वाई जेड मान लेते हैं वो एक्स हो जाएगा, लेकिन जब 14 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये पहले आ जाते हैं, वो बाद में चला जाता है, और 14 से ज़्यादा होते हैं तो एक्स वाला पहले आ जाएगा, उसका रेशियो होता है, इसमें क्या हो जाएगा, टू एस टू सही बनाते हैं, स्टार हो गई, हाँ यहाँ पे आपका ये आपका टू एस टू हो जाएगा और स्टार टू, दो दो इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और ये आपका टू एस टू, ये एटम में कौन बैठा है, ये मॉलिक्यूल का बैठा है, अब क्या होगा, पी बन जाएंगे, तो एटम में कार्बोहाइड्रेट का पी ऐसा बनेगा, ऐसा इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और इसका पाई पाई डायग्राम पूरा कर लेना हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग वाला बनाया कि पाई पाई स्टार टू पाई बाई पाई स्टार टू पी टू पाई जेड, वो एंटी बॉन्डिंग हुआ। O2 आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो ये आपका ये क्या एक्टिव होगा, इसमें भी एम पेड इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी एक्टिव होगा, ठीक। तो यहाँ पे तो अभी एक्टिव और इनएक्टिव की बात है, अब आती है इनकी स्पेटिंग नंबर ऑफ सिग्नल कैसे निकालते हैं। ठीक
इससे आपका एनएमआर होता है, यहाँ पर टीएमएस होता है, या डेल्टा वैल्यू वन टू इस तरह से आपका इनमें ऐसा आता है, जैसे डब्लेट हुआ ये आपका इसका वन वन रेशियो होता है, वन टू थ्री रेशियो होता है, ऐसा होता है, डब्लेट होता है। तो एनएमआर में डेल्टा होती है, इसी तरह से ईपीआर में क्या होता है, ईपीआर का ग्राफ उस तरह से आता है, यहाँ जो डेल्टा वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं जी वैल्यू, डेल्टा को क्या बोलते हैं जी वैल्यू, और इसको बोलते हैं यहाँ पे आई, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका डबलेट है, यहाँ पर डबलेट आपको उस तरह से दिखाई देगा, ये आपका डबलेट होगा, और जो आपका ट्रिपलेट है वो ईपीआर में इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये आपका सार्क होता है, इसमें क्या होते हैं सार्क, और इसमें जो सिग्नल होते हैं वो आपके कैसे होते हैं ब्रॉड, ठीक। अब इसको क्या है, हम चेंज कर देते हैं ग्राफ, कैसे चेंज करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे आप जी वैल्यू वर्सेस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा डेल्टा आई डिवाइड बाई आई, डेल्टा आई डिवाइड बाई आई और जी के बीच में हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, जो आपका डबलेट है होगा इंटेंसिटी रेशियो वही रहेगा, या रेशियो भी वही रहेगा, वन टू वन, ठीक है। ये डबलेट अब यहाँ डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे, जैसे आपका यहाँ वन टू वन आया है, तो जिसकी आई वैल्यू आपकी क्या हो वन बाई टू, आई वैल्यू क्या हो वन बाई टू, तो वन बाई टू जब आई वैल्यू होगी तो जो एनएमआर की इंटेंसिटी रेशियो होगा वही आपका ईपीआर, वही रेशियो लगाएंगे, तो वो रेशियो के लिए हमें क्या करना होगा, पास्कल ट्राइंगल, पास्कल ट्राइंगल हमने आपको बताया था एनएमआर में, तो पास्कल ट्राइंगल को ही हम फॉलो करेंगे, लेकिन जब हम आई वैल्यू को चेंज कर देंगे, जैसे आई वैल्यू आपकी वन हो जाए, या आई वैल्यू आपकी थ्री बाई टू हो जाती है, या आई वैल्यू आपकी टू हो जाती है, तो उसका इंटेंसिटी जो रेशियो होगा वो भी आपका चेंज, ठीक। अब यहाँ बात आती है कि ये ब्रॉड क्यों है, ये सार्क क्यों है, ठीक है। यहाँ दो सिग्नल है, ये ब्रॉड है और ये सार्क है, और ये तो आपका डेल्टा आई अपॉन टी में हमने उसको कैलकुलेट करके ग्राफ बनाया, कंप्यूटर ने कैलकुलेट कर, लेकिन एक्चुअल जो ग्राफ है वो आपका ये आएगा चार में, होती किस में आएगा एनआर। तो एक फार्मूला आपने जैसे हाई स्कूल में पढ़ा हो, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स, ये आपका बराबर होता है कॉन्स्टेंट, क्या होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो डेल्टा पी को हम मान सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू, ये आपका मोमेंटम है, क्या है पी आपका मोमेंटम, एस क्या पोजीशन, तो पोजीशन और मोमेंटम को आप साइमल्टेनियसली कैन नॉट कैलकुलेट, एक साथ आप नहीं, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पी की जगह डेल्टा डब्ल्यू, इसकी जगह हम डेल्टा टी कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा वन अपॉन टी, ऐसा कर सकते हैं। तो जो टी होता है ये आपका रिटेंशन टाइम होता है, क्या होता है रिटेंशन टाइम, इसको क्या बोलते हैं रिटेंशन टाइम, और यहाँ पर डब्ल्यू जो होती है वो आपकी गिट्स होती है। तो आप देखेंगे जिसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा उसका बिट्स कम होगा, और जिसका रिटेंशन टाइम ज्यादा होगा। तो एनएमआर में क्या होता है, इन केस ऑफ एनएमआर, इन केस एनएमआर में डेल्टा टी आपका ज्यादा होता है, मोर,
एन एम ऑन में डेल्टा टी आपका क्या होगा? ज्यादा। जब डेल्टा टी ज्यादा होगा तो बिट्स आपकी कैसी होगी? कम होगी। इसलिए इसमें जो लाइन आएगी वो कैसी आएगी? सात और PPR के केस में क्या होगा? इन केस ऑफ PPR डेल्टा टी होगा वो कैसा होगा? वो लेस होगा। जब डेल्टा टी लेस होगा तो बिट्स कैसी हो जाएगी? अब आपने इनके इंटेंसिटी रेशियो कितना नोट करके ही बता दें। कंपेटिटिव स्टडी आपको कराते हैं, ठीक है? एन एम आर और पी पी आर। जैसे सबसे छोटा मॉलिक्यूल है आपका सी एच टू, केवल सी एच थ्री की बात करेंगे तो कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ कोई ग्रुप लगा हो सकता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बताई थी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और आई वैल्यू होना चाहिए। तो हाइड्रोजन की जो आई वैल्यू होगी वो क्या होती है? ठीक। तो यहाँ एक फार्मूला होता है 2ni+1, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और आई है, आई तो आप पता है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, 3 हो जाएगा, 2 1/2 + 1 कितना हो गया? उसमें 2 कट गया, 4। इसमें क्या आई? क्वार्टेट आया 4। तो क्वार्टेट का जो रेशियो होगा वो मैंने बताया था, इस तरह से होता है क्वार्टेट का जो पास्कल ट्राई, क्योंकि आई बराबर जब 1/2 है पास्कल ट्राइंगल लगाएंगे, तो पास्कल ट्राइंगल में क्या होता है प्रॉफिट का? 1:3:3:5। इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका कैसा आएगा? ये 1 हो जाएगा, ये 3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे जी, और ये आपका डेल्टा आई है। एन एम आर की जब बात करेंगे तो एन एम आर में इसका क्या मिलेगा? सिंगलर मिलेगा, सिंगलर मिलेगा या डेल्टा। कभी इसको ऐसा ही बना सकते हो, आपको सिंपल बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, आप ऐसा ही बना सकते हो, आसान, इसको बनाना आसान है, ठीक, ऐसा ही बना सकते हो। अब मैं चाहता हूँ आपका सी एच थ्री, सी एच टू रेडी करता। तो इसमें क्या है कि सिग्नल तो आपका एक ही मिलेगा लेकिन उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? 2ni+1 होगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ये आपके एक प्रोटॉन है, ये भी है, दो ही प्रकार के प्रोटॉन है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं, 2ni+1
और दूसरे ब्रैकेट में हो सकता है टू टू एन बी आई प्लस आई तो दोनों के लिए बराबर है ठीक है। तो ए को हमने क्या किया टू एन ए इतने टू आई वन बाई टू प्लस वन और ये कितना है टू बी कितना है थ्री वन बाई टू प्लस वन तो ये कितना हो गया आपका फोर हो गया इंटू तो आप देखिए इसको हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आपका ट्रिपलेट है। ये क्या है ट्रिपलेट और ये क्या है आपका क्वाड्रेट। तो ट्रिपलेट का जो रेशियो होता है वो आपका क्या होता है वन टू टू वन। क्वाड्रेट का क्या होता है टू टू थ्री टू थ्री टू वन ये होगा ना। तो हम क्या करेंगे तीन लाइन हम पहले बना लेंगे ये आपकी तीन लाइन का रेशियो वन टू वन आ गई। अब फिर प्रत्येक लाइन को हमें इसमें इसमें मल्टी तीन प्लस फोर सेवन नहीं है क्या इसका मल्टीप्लीकेशन है इतना ट्वेल्व है। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक को चार में डिवाइड करेंगे चार ये भी आपका फोर हो जाएगा ऐसे ही बना लेते हैं फोर ठीक है। ये भी लाइन कितनी आई फोर। अब ये फोर का क्या रेशियो होता है वन थ्री थ्री वन ये कितना है वन थ्री थ्री वन ठीक है ना। इसका कितना है वन थ्री थ्री वन। अब ओवरऑल आपका रेशियो क्या आ जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करो वन ये आपका थ्री ये वन हो जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टू आ जाएगा और टू से थ्री सिक्स हो जाएगा और फिर सिक्स फिर कितना है टू फिर वन थ्री थ्री टू फाइव। देखिए टोटल कितना आया बारह लाइन होनी ना टोटल। देखिए अब इनका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ बारह लाइन ये वन थ्री थ्री ठीक है और फिर इसके बाद क्या है टू टू वन से डबल है ये आपका टू हो गया टू के बाद वन से डबल मान लीजिए थोड़ा इसको ऊंचा मान लीजिए थ्री हो जाएगा वो थ्री बन ये आपका टू हो गया इससे डबल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सिक्स ये आपका सिक्स फिर इसके बाद टू फिर इसके इतना ही बराबर फिर ये उसको सही बनाना है ये रेशियो हो जाएगा वन थ्री थ्री वन टू सिक्स सिक्स टू वन और एक ग्राफ इसमें प्लॉट हो जाएगा जी जी वैल्यू और डेल्टा टी डेल्टा आई अपॉन ठीक है। अभी बार लाइन कैसे है इनका इंटेंसिटी रेशियो ये अच्छा यही एनम और होता तो क्या होता सी एस थ्री सी एस टू का क्या आ जाएगा सी एस थ्री का आपका ट्रिपलेट होता ना तो उसका आपका क्वाड्रेट होता वन टू सिक्स वन टू वन और वन थ्री ये आपका एनम इसकी एम है डेल्टा डेल्टा अब वो आप डेल्टा वैल्यू के अकॉर्डिंग फिट कर देंगे
क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए आपका नेप्टेन मान लीजिए बेंजीन, आपकी टोटल स्पिटिंग से क्या हुआ, आपकी 100 लाइन आ गई। अब इतना बड़ा आपका कंप्यूटर में स्केल नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए, परम कंप्यूटर, बहुत बड़ा स्केल, तभी आप 100 लाइन को या 75 लाइन को आप काउंट। उसकी स्केल जब छोटा होता है तो वो लाइंस क्या होती है, मर्ज कर जाती है। फिर आप ऐसा कीजिए, इसका एक तरीका और है, उसको आधा आधा सेपरेट करके A4 साइज पेपर में कई मतलब सारी को कई पेपर में आपको लेना पड़ेगा, से आपको हो सकता है कि 8-10 पेज लग जाएंगे, सब पेज करते जाइए और पेंट लेते रहिए उसका, फिर उनको सबको कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये तरीका है। का क्या आएगा,
One. Five. Six. Five. Six. Six. One, six, fifteen. One, six, fifteen. Twenty. Twenty. Fifteen. Six. One. है ना? उसका इतिहास में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? One मान लीजिए. Six. Six के बाद. Fifteen. Fifteen के बाद. Twenty. फिर आपका फिफ्टीन. Six. One. इतना हो गया. जैसा है अब वो जैसा है रेशियो उसी की अकॉर्डिंग हाइट होगी. मैंने रफली बता दिया ये सही नहीं है. जितनी जैसा रेशियो उसी के अकॉर्डिंग हाइट होगी. मैं बताता हूँ कि आई वन है, आई थ्री बाई टू है और आई कितना है? टू है. अब इनकी स्प्लिटिंग कैसे होगी? यहाँ पे तीन केस हैं. एक आई बराबर आपका वन, आई बराबर वन है. आई बराबर आपका क्या है? आई बराबर टू है. आई बराबर थ्री है. ठीक है, तीन केस आपके सामने आए. अब इनमें सब में वही फार्मूला लगेगा, टू एन आई बार. लेकिन यहाँ पे एक चीज को हमने कॉन्स्टेंट कर दी. एन की वैल्यू हमने क्या मान ली? सभी के लिए एन की वैल्यू क्या मान ली? वन. इसके लिए एन की वैल्यू जो वन होगी उसका क्या आएगा? टू इंटू वन इंटू वन प्लस वन. तो आंसर क्या आ जाएगा? थ्री. चार आएगा ना? थ्री आएगा. हाँ थ्री आएगा. इसका थ्री आएगा. जब n की वैल्यू 1 होती है जो भी यहाँ रेशियो आएगा वो आपका 1:1 और 1 ही बन आएगा. इसमें क्या हो जाएगा? 2 n i प्लस 1. इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 1 2 इंटू 2 नहीं, n 1 रखा ना, i आपका 2 हो गया, प्लस ये कितना 1 कितना हो गया? 5 हो गया. फाइव के लिए वही रेशियो रहेगा 1:1:1:1 और कितना हुआ? अभी फाइव हो गया. हाँ भाई, ठीक ये रेशियो है. इसमें भी लगाएंगे 2n i + 1. ये आपका 2 हो जाएगा, ये 1:3/2 + 1. ये आपका 4 लाइन है, इसका 4 है. इसका भी आपका 1:1:1. चलो इनके जो स्पेक्ट्रम मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? ये आपके ऐसे मिलेंगे. यहाँ पे आपका बना लेना, उसका कैसे मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5. ये आप बना लेना. ठीक है, उसके कितने मिलेंगे? 1, 2. अब आता है n बराबर, n का केस क्या है? 2. तो
एन यहाँ पे क्या नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो जब एन बराबर टू हो जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा? वो तो अलग के लिए लगाएंगे, वो भी बताएंगे, वही बताएंगे। इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए आपका टू एन आई प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? टू एन वैल्यू आपकी टू है प्लस आई वैल्यू कितनी है? आई वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा? पांच लाइन। तो यहाँ पे इंटेंसिटी रेशियो जो आप बनाएंगे पांच लाइन का, वो ऐसा बनाएंगे, वन यहाँ रखेंगे, वन यहाँ रखेंगे, इसको टू कर देंगे, इसको भी टू कर देंगे, कितना आया? दो लाइन। ये आपका थ्री हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? टर्मिनल आपका वन वन, ये आपका टू टू, मिडिल वाला थ्री। लेकिन ये किसके केस में? जब एन बराबर टू हो, इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कैसा आ जाएगा? वन टू आपका डबल, थ्री आपका और सिमिलर, तो ये आपका टू, ये आपका एक। अब यहाँ पे भी एन बराबर टू है तो ये क्या हो जाएगा? टू एन आई प्लस वन, तो ये क्या होगा? टू इंटू टू इंटू आई बराबर टू प्लस वन, इसका आंसर कितना होगा? नाइन। नाइन, तो नाइन का कैसे बनाएंगे? वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर, कितना बचा? देखो नाइन नाइन हो रही है, हो गई ना। इसका जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा? वन टू थ्री फोर फाइव, इसके बाद फिर फोर, फिर थ्री, फिर टू, ये रेशियो ऐसा आपको सिंगल दिखाई देगा। इसमें क्या हो जाएगा? टू एन आई प्लस वन, ये क्या आपका हो जाएगा? टू एन कितना है? टू आई आप कितना है? थ्री बाई टू प्लस वन, तो ये कितना होगा? दो से दो कट गया, तीन छः सात, सेवन आया ना, तो सेवन को क्या कहेंगे? ये वन, यहाँ वन हो गया, ये टू, ये टू हो गया, आपका थ्री, ये थ्री हो गया, बीच में सेवन हो गया, यहाँ पे हो गया वन टू थ्री फोर फिर थ्री फिर टू, ठीक। अब आता है कोई केस, जैसे हम बताते हैं आपको, लिखिए दो केस आप बताइए। देखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिख कैलकुलेट, कैलकुलेट नहीं, हाँ कैलकुलेट लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइन, द नंबर ऑफ लाइंस इन इन द फॉलोइंग मालिक, इन द फॉलोइंग मालिक। एक केस आपका ये है डी डी, और यहाँ पे ब्रोमीन या क्लोरीन लगा है, ये रेडिकल। एक तो ये केस क्या है? दोनों तरफ ड्यूटेरियम, बीच में रेडिकल। और एक केस क्या है? D2CH। D2C रेडिकल H। कार्बन जो होता है आपका 13 होता है, एक 12 होता है, तो कार्बन जो आपका 13 होता है उसकी परसेंटेज होती है 1.1 नेचुरल ऑर्डर, तो वो आपका नहीं देगा, हाइड्रोजन का ही कारण होगा, या तो उसकी परसेंटेज बढ़ जाए, सीएल भी सीएल नहीं देता, रेडिकल आपका कार्बन है, हाइड्रोजन से स्प्लिटिंग होगी। पहले हम इसकी बात करते हैं, ड्यूटेरियम यहाँ दो लगे हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा?
टू एन आई प्लस वन, तो ये आपका नंबर ऑफ डिटरमिनेंट कितने हैं, टू इंटू इंटू वन प्लस वन, तो ये आपके कितने हैं फाइव है। अब इसमें कौन सा रूल चलेगा, एन बराबर टू है, आई एन बराबर टू है तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, ये वन वन टू टू एक होगा, एक होगा तो वन टू थ्री टू और बाकी, तो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब क्या है इसके केस में क्या हो जाएगा, टू एन आई, टू एन आई प्लस वन टू एन आई प्लस वन, उसमें कितनी आएगी, इसको इसको मान लेते हैं ये आपका ए हो जाएगा, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं, ए में कितने हैं दो, टू वन प्लस वन, और दूसरा क्या है टू, इसमें हाइड्रोजन कितना वन है, वन बाई टू और प्लस वन, तो यहाँ पे कितनी आई, दो दो चार और एक पाँच, फाइव लाइन, और यहाँ पे कितनी आई, टू लाइन, टू लाइन है, हाँ टोटल आपकी टेन हो जाएगी, टेन। अब इनका इंटेंसिटी रेशियो देखिए, यहाँ पे ड्यूटेरियम की एन वैल्यू आई तो आपकी टू है एन वैल्यू, जब एन वैल्यू इतनी है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले आप इसका देखिए इसका डबलेट आएगा, ठीक है, जब डबलेट आएगा तो डबलेट हम ऐसा लिख देंगे, डबलेट आएगा इसका वन टू वन रेशियो है, ठीक। अब प्रत्येक डबलेट का अब इसका क्या रेशियो है, इसका वन वन है, टू टू है और थ्री है ना बीच में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, पांच लाइन इनटू डिवाइड, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, तो आपका वन टू थ्री मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वही रहेगा, फाइनल रेशियो निकालेंगे वन है तो वही रहेगा आपका, या फिर मालिकूल ऐसा करिए कि जिसमें चेंज हो जाए, एक हम दूसरा कह देते हैं ग्राफ बना लेना, सर एक केस और देखिए, जैसे बाइफिनाइल का लिया हमने, बाइफिनाइल देखिए, बाइफिनाइल बनाइए, बाइफिनाइल बाइफिनाइल कल रख देते हैं, कंटिन्यू करें, अच्छा ऐसा करिए लिख लीजिए इंटेंसिटी आपको निकालना है बाइफिनाइल की केस, बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर हम बना देगा, तीन प्रकार के प्रोटॉन होंगे तो उसी रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बना के हमें दिखाना है, कल ग्राफ प्लॉट करके इंटेंसिटी बताइए, इसमें 75 लाइंस आएंगी आपका, 75 एक केस और लिख लीजिए, एक नेफ्थलीन का केस लिख लीजिए, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन में दो रिंग फ्यूज होती है बेंड, नेफ्थलीन हो गया और देख लीजिए क्यूनॉन, क्यूनॉन 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 में तो एक ही आएगा क्योंकि सभी चारों प्रोटॉन एक ही है, क्यूनॉन का छोड़ दीजिए, नेफ्थलीन नेफ्थलीन और बाइफिनाइल की आप कर सकते हैं, तो एंथ्रासीन का देख लीजिए, एंथ्रासीन क्योंकि जो ज़्यादा टफ हो जाएगा वो आप लोग लेंगे सिंपल तो हो ही जाएगा, एंथ्रासीन ठीक है, एक नेफ्थलीन हो गया, एक एंथ्रासीन हो गया, और एक कौन सा होता है, हाँ एक कापर का देख लीजिए, कापर सी यू सी यू एसओ फोर, कापर में मैं बता दे रहा हूँ इसकी आई बराबर कितनी होती है, थ्री बाई टू होती है, थ्री बाई टू करते हैं, और कोई आप नेट पे किसी बुक में देख लीजिए जिसमें आई बराबर थ्री हो, कोई मालिक्यूल हो तो उसमें फिटिंग नेट पर वगैरह कोई क्वेश्चन मिल जाए इसकी आई वैल्यू थ्री बाई टू हो, कॉपर की मेटल कॉम्प्लेक्स की, तो हाइड्रोजन की बात करिए, ठीक है फिर बताइए साइंस करते हैं, क्लियर हुआ है क्या,
पहली बार इतना